वेलकम टू माय चैनल रश्मि की दुनिया। तो आज का मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है घर से और एकदम रेडी हैं हम लोग जाने के लिए। तो मैं बता देती हूँ पहले ही क्या सस्पेंस रखना। तो आज हम लोग जा रहे हैं मेरी दीदी के न्यू हाउस। एक घर लिया तो बहुत टाइम पहले था, बट बेचारे क्या ही बोलूं यार, आफ्टर 9 ईयर्स बाद उनको यहाँ पोजेशन मिल रहा है तो उसकी अलग ही खुशी है ना। इतना पैसा लगाने के बाद और घर ना मिले और एकदम से मिले तो उसकी बहुत ही खुशी। तो बस दीदी आई थी, हाँ उनका घर जो है वो है गुड़गांव में, यहीं पर जहाँ पर मैं रह रही हूँ। अभी गुड़गांव में ही हूँ तो थोड़ी सी दूरी पर, यहाँ से 15 to 20 मिनट्स में उनकी दूरी पर घर है। तो आज वो लोग आ रहे थे की लेने, तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को आना है रश्मि। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे बुलाया कि नहीं नहीं तेरे को आना है। जीजाजी भी दो बार मेरे को फोन करा कि तेरे को, मैं मथुरा जा रही थी तो उन्होंने जाने नहीं दिया कि तेरे को रुकना है और हम चाबी लेने आएंगे, तेरे को आना है। तो बस इसीलिए हम लोग सब रेडी हो चुके हैं, विक्रांत भी, तुविक्ष भी, मैं भी, और अभी हम निकलेंगे और वहां जाके मैं दिखाऊंगी कि उनका घर कैसा है और देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो पहले हम लोग जल्दी से निकल लेते हैं, फिर मैं वहां जाके मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग घर से निकल चुके थे, ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे। और मैं बता दूं आपको कि ये वीडियो बहुत पुराना है, जब मैं घर गई थी उससे पहले का है। बट मेरे को लगा था कि जो अभी रिसेंट वीडियो है वो वाली मैं डाल देती हूँ व्लॉग्स, इसको थोड़ा लेट डाल दूंगी, तो इसलिए अब मुझे लगा था कि चलो अब इसको एडिट करके डाल देती हूँ, क्योंकि मेरे पास रखा हुआ था। फिर मेरा डिलीट करने का मन नहीं हुआ तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ। तो बस यहाँ पर ये मार्केट वगैरह, स्कूल वगैरह है उनके घर के पास में ही, और यहाँ से मतलब मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत पास में ही है उनका घर। तो बस अब हम पहुंचने वाले थे उनके घर। क्या बताना है? लेट्स पर हम लोग पहुंच चुके थे और दीदी जाजी, दोनों जाजी और बच्चे उनके पहले ही पहुंच चुके थे। मैं थोड़ा लेट हो चुकी थी। और जिस दीदी का है, दीदी क्या यार, वो दोनों ही दीदी का एक तरीके से, बट जिस दीदी का मेन ये घर है तो वो यहाँ पर नहीं थी क्योंकि वो उस टाइम पर मथुरा थी। बट उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस सब चीज़ों से क्योंकि उनका मन ही ऐसा है। तो बस हम लोग सब लोग आए थे यहाँ पर की लेने। तो बस जाजी यहाँ पर बोले थे, मैं उनको बोल रही थी ना कॉन्ग्रेचुलेशन, तो बोले अभी किस बात की बधाई, अभी तो मिला ही नहीं है, जब चाबी हाथ में मिल जाएगी तब तू बधाई देना। क्योंकि यार उनको हमेशा से ये लगता था कि आप तो यहाँ पर उन्होंने फूल ले लिया था कि मैं उन्हें बोलूँगा कि हाँ दीदी को देने के लिए कि आज मोनिका तू बहुत सुंदर लग रही है, चल मैं तेरे को फूल दे देता हूँ उस व्लॉग में ही। यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से करा हुआ था पूरा कारपेट वगैरह, तो अभी रिबन भी इन्होंने लगाया था कटिंग करने के लिए। तो जाजी विक्रांत को ही बोल रहे थे कि नहीं नहीं आप ही कट करिए, हम लोग तो बोल रहे थे उनको कि आप भी आ जाइए, और मेरे को भी वो बोल रहे थे बट मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मैं नहीं गई थी। तो यहाँ पर कर रहे हैं विक्रांत रिबन देख ले। यहाँ पर उन्होंने केक कटिंग का भी अरेंजमेंट करा हुआ था, तो बस ये केक लेकर आए थे और इन लोगों ने मिठाई का डब्बा भी दिया था। तो बस बच्चे इस केक को कट करेंगे, उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मैं एक बार आपको पूरे घर का टूर करा देती हूँ। तो ये है पूरा इनका घर जहाँ से ये एंट्रेंस है। तो मैं बता दूँ ये 4 BHK का इनका घर है, तो ये लिया इन्होंने बहुत टाइम पहले था, एटलीस्ट मतलब लाइक 10 ईयर्स पहले इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था और अब जाके उनको घर मिला है। बहुत लॉस भी हुआ यार, खुद सोचो कि 10 साल पहले उनको लगा था कि जल्दी रेडी हो जाएगा तो रेंट पर दे देंगे, तो कितना ज़्यादा लॉस, ना वो खुद आ पाए और ना रेंट पर दे पाए। तो अभी तो बस यहाँ से ये पूरा ही इनका ड्राइंग रूम है, उसके बाद ये किचन है, ये अभी पूरा बनवाना पड़ेगा, लाइक फर्नीचर वगैरह का सारा काम कराना पड़ेगा। बट अभी डिसाइड किया है जाजी ने कि वो शायद अब वो खुद ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे क्योंकि अभी तो बच्चों के मतलब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं, तो मे बी नेक्स्ट ईयर ये वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे।
बाद हम लोग आ गए थे यहाँ लंच करने के लिए। उन्होंने बोला था कि चलो बाहर खाने चल रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। ये है गुड़गांव में ही आपनों घर करके, यहाँ पर वाटर पार्क भी है और लाइक रेस्टोरेंट भी है। तो मुझे यहाँ का रेस्टोरेंट का खाना बहुत ही अच्छा लगा, बट वाटर पार्क के थोड़ा सा चार्जेस ज़्यादा लगे क्योंकि शायद 1600 पर हेड था। उसमें खाना भी था बट मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा था, बट अगर वैसे रेस्टोरेंट में आप खाना खाओगे तो ठीक था, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। तो बस हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मेन्यू मतलब लाइक सोच रहे हैं क्या क्या ऑर्डर करना है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर किया था दाल मखनी, मिक्स वेज, रायता। और वाटर पार्क में जाने का भी बहुत मन था बट नहीं गए थे, हमने सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे। तो बस खाना खा के हम लोग निकल चुके थे। फिर मिलेंगे जल्दी। कब जल्दी? परसों। और वाटर पार्क कब जाएंगे? वाटर पार्क जाएंगे वहाँ से मथुरा से जाएंगे। और खाना कैसा था? खाना तो बड़ा हाइजीनिक था, आया मजा आ गया। बाय, तू भी चल रहा है? बाय बेटी, बाय बाय जल्दी। यहाँ पर पिक्स वगैरह भी हमने काफ़ी लिए थे, बस बहुत एंजॉय किया था। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।